समझ रहा हूँ आप कोई ना कोई विषय उठाएंगे, जैसे भूतियों की बात कहूंगा, आप मुझे मिल लेना, बातें कर लेना। है दो तीन समस्याएं हैं छोटी छोटी, और मैं बता देता हूँ। ग्रुप डी की 1972 की 23 मई के बाद ये समस्या हल हो जाएगी आपके कोर्ट में, कैसा हमने उसका एग्जाम बताया हो जाएगा। मैं तो सामने पे खड़ा होता बता देता हूँ किसी समस्या के अंदर। एक मिनट बता दिया, मैं बताता हूँ। लाडली योजना के लिए आपने बोला था ना, मैं बताता हूँ। छोटी लड़कियों पे आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ, एक समस्या हो रहा है युवकों को, नौजवानों। विपक्षी दलों का एक प्रचार है और उस प्रचार के नाते से ये बातें ऐसी उठाई जा रही हैं। इक्का दुक्का लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं तो उनको तसल्ली से सुना जाए तो रखा जाता है। अभी आपके सामने चार नौजवान थे, वो बीच में खड़े हो गए, मुझे पता है वो क्या बोलने वाले, मैंने उनकी बात का उत्तर दे दिया, वो संतुष्ट हो गए। समस्याएँ छोटी मोटी लोगों की होती हैं, वो अपनी बात को लेकर आते हैं, उनको समय देकर के सुनने का विषय होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि जनसभा में हमको अपनी बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। आखिर जनसभा समाप्त होने के बाद भी अपनी बात को कहा जा सकता है। हम हर किसी की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। छुटपुट जो बातें होती हैं, किसी की पर्सनल बात है, किसी की FIR है, किसी का घर में कोई केस बन गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई भी विषय होता है, ऐसे विषय समय पर उनको बताने चाहिए। कोई विरोध का ऑन टोटल टोटलिटी में किसी प्रकार का कोई विरोध हमारे प्रत्याशी का किसी का। भाजपा की जो जंग है ये विजयश्री की ओर जा रही है, जो दसों की दसों की बात की जाए तो हरियाणा में निश्चित रूप से आखिर इसको हम एक ऐसा प्रतियोगिता मानते हैं, ये एक स्वस्थ प्रतियोगिता है। इसको जंग का नाम इसलिए नहीं देते, हाँ कहते हैं कुछ लोग चुनावी जंग है, लेकिन अगर चुनावी जंग भी कहें तो एक चुनावी उत्सव के रूप में होती है, और इस उत्सव में लोगों के बीच में मताधिकार के नाते से एक आकर्षण होता है कि कौन किसको अपनी ओर आकर्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 4.5 साल का जो इतिहास है, लगातार जिस प्रकार का हमारा ग्राफ बढ़ रहा है उसी के अंतर्गत आप तो जींद को देख चुके हैं। जीन हमारा एक ऐसा विषय था जिस समय लोग कहते थे कि बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स को यहाँ उतारा जा रहा है और वो स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो सबको धूल चटा देंगे। बड़ी मुश्किल से 300 वोटों से और अपनी जमानत बचा करके गए हैं, तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में। मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ जो घटना है उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं होनी चाहिए, देखिए लोकतंत्र में ये घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का तरीका होता है, अपना विरोध भी प्रकट करना है तो उसका एक तरीका रहता है, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं की कहीं कोई स्थान नहीं। सर चर्चाएं चल रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जींद के अंदर चुनाव रैली को संबोधित करने से अभी कार्यक्रम उनके मिले हैं। 7 तारीख को एक रैली जींद के अंदर वो आके करने वाले हैं 4 बजे, और दूसरी रैली उनकी फरीदाबाद में होने वाली है। तो इसलिए जितने भी बड़े नेता हैं वो सब हरियाणा में जगह जगह पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के भी हमारे 3 कार्यक्रम तय हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम आज हो गए हैं, एक दिन और होने वाले हैं, ऐसे ही राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम हैं, सुषमा जी के कार्यक्रम हैं, तो सब बड़े नेताओं के कार्यक्रम चुनाव के दिनों में होते हैं। हमारे यहाँ चर्चा मिल रही जुलाना से विधायक परमेंद्र डुल भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई मुलाकात या कोई बातचीत? देखिए विधानसभा के सदस्य हैं, मुलाकात हमारी 4.5-5 साल से लगातार चलती है, ऐसी बात नहीं है। अब उनके मन में क्या विषय चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो कम से कम मैं नहीं बता सकता, अच्छा हो उनसे पूछे तो अच्छा लगेगा।